स्टैंडर्ड सेकेंड सब्जेक्ट इंग्लिश टू। चैप्टर 22 कंपोजिशन। थर्ड वन, रोहन वॉज गिफ्टेड अ पफ ऑन हिज बर्थडे। रोहन रोट सम सेंटेंसेस अबाउट हिज पफ बट दे गॉट मिक्स्ड अप। ट्राई टू पुट देम इन राइट ऑर्डर बाय पुटिंग द राइट नंबर इन द सर्कल गिवन, देन राइट ऑल द सेंटेंसेस इन द गिवन स्पेस। नाउ स्टूडेंट सी, रोहन जो है एक बॉय का नेम है, उसको गिफ्ट में पप मिला, मीन्स पपी मिली उसको गिफ्ट में। एक डॉग का जो फीड होता है उसको पपी कहते हैं। उसने उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया, मीन्स रोहन ने अपने पेट डॉग के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन दिए हुए कि वो कैसा है, कैसा दिखता है या उसका डेली रूटीन क्या है ना। प्रॉब्लम इज के सारे सेंटेंसेस मिक्सअप हो गए, जंबल फॉर्म में हो गए। हमें करेक्ट सेंटेंसेस, मतलब पहला लेटर क्या होगा, जैसे हम मॉर्निंग में फर्स्ट क्या करते हैं, हम वी वेक अप, तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस होगा देन वी ब्रश अवर टीथ, देन वी गो फॉर अ बाथ, देन वी हैव अवर ब्रेकफास्ट। तो ये सारे 1, 2, 3 इस तरह से वन आफ्टर द अदर हम वर्क करते हैं, ठीक है। लाइक वाइज हमें भी ये सेंटेंसेस को उस तरह से अरेंज करना है कि फर्स्ट सेंटेंस कौन सा होगा ना। ये जो सर्कल दिया हुआ है तो फर्स्ट सेंटेंस का जो भी नंबर होगा वो यहाँ पर हमें लिखना है, ओके। पहले तो हम ये सेंटेंस रीड करेंगे फर्स्टली, ओके। लाइक सी, ए वन, स्नोई वेज इज टेल वेन इट सीज मी। पप का नाम क्या रखा है, स्नोई। I have named him Snowy. He had a soft furry coat, brown eyes and a big ears. Snowy loves to chase cats and big holes in the ground. Mummy and Daddy gave a cute little pup to me on the birthday. It was a surprise for me. Snowy loves to sleep in my bed at night. I think this is the best gift I ever had. इसमें फर्स्ट सेंटेंस तो ये वाला ही होगा, मम्मी एंड डैडी गेव अ लिटिल पप टू मी ऑन माय बर्थडे, राइट। इट वाज अ सरप्राइज फॉर मी, आई थिंक दिस इज द बेस्ट गिफ्ट आई एवर हैड। सो लेट्स सी द आंसर। ई एफ सी डी ए डी जी एच, ये आपको सर्कल में लिखना है, ओके। Now students see what you have to do is you have to again write the sentences. आपके textbook में नीचे blank space दिया हुआ है ना, line draw किया हुआ है, वहां पर आपको ये sentences लिखना है। Mummy and daddy gave a cute little pup to me on my birthday. I was such a surprise, sorry, it was such a surprise for me. He has a soft furry coat, brown eyes and big ears. I have named him Snowy. Snowy raises tail when it sees me. Snowy loves to chase cats and dig holes in the ground. Snowy loves to sleep in my bed at night. I think this is the best gift I ever had. Now, ये sentences आपको student textbook में जो blank space है वहां पर लिखना है, okay? Now, see, look at this. Fourth one, complete the story by writing the correct word under the pictures given. Take the help of the box, the fox and the crow. Story ka name kya hai? The fox and the crow. This is the fox, this is the crow. Okay. Now picture mein aapko dikh raha hai. Ye sare trees hai, greenery hai. Yahan pe ek tree hai, see. Ek tree pe crow baitha hua hai, uske beak mein piece of cheese hai student. And fox is staring at him. Now why fox is staring at him? Fox kyun stare kar raha hai crow ko? Because usko piece of cheese chahiye. So fox is staring at it because usko piece of cheese chahiye. Now ye fox aisa kya smartness dikhayega ki crow usko piece of cheese de dega. Let's see the story students. वन डे से आपको पिक्चर्स दिया हुआ है ऑलरेडी, आपको पिक्चर्स देख के ब्लैंक फिल करना है। अगेन आपको यहाँ पे ऑप्शंस भी दिए स्टूडेंट, फॉक्स, पीस, डाउन, चीज, जंप, क्रो, सिंग, बीक, ट्री, क्रो, रैन। वन डे अ डैश फाउंड
अ डैश ऑफ चीज क्रो फाउंड अ पीस ऑफ चीज ही सैट ऑन डैश ट्री ब्रांच ऑफ ट्री अ हंग्री डैश सॉ द डैश हंग्री फॉक्स सॉ द क्रो ही वॉन्टेड द डैश ऑफ फॉर हिमसेल्फ ही वॉन्टेड द चीज फॉर हिमसेल्फ फॉक्स को चीज चाहिए था उसने देखा कि एक क्रो जो है वो ट्री पे बैठा है और उसके बीच में पीस ऑफ चीज है तो हंग्री मीन्स वो भूखा था उसको भी बहुत भूख लग रही थी तो उसने क्या देखा कि एक क्रो है जिसके बीच में चीज है तो उसने क्या सोचा कि ही वॉन्टेड द चीज फॉर हिमसेल्फ उसको वो चीज चाहिए था ही सेड टू द क्रो यू हैव अ वेरी ब्यूटीफुल वॉइस सी क्या स्मार्टनेस दिखाया फॉक्स ने उसको पैम्परिंग करने लग गया उसको मैनिपुलेट करने लग गया उसकी तारीफ करने लग गया फॉक्स क्रो की कि तुम्हें तुम्हारी वॉइस कितनी ब्यूटीफुल है वैसे क्रो की वॉइस ब्यूटीफुल नहीं होती ना स्टूडेंट विल यू डैश फॉर मी सिंग फॉर मी देखो फॉक्स ने क्या कहा क्रो को कि तुम मेरे लिए सिंग करोगे ना सी वाई उसने ऐसा क्यों कहा के सिंग करोगे तो सिंग करेगा अगर वो गाएगा उसके लिए तो बट ऑब्वियस है उसका बीक ओपन होगा बीक ओपन होगा तो उसका पीस ऑफ चीज गिर जाएगा फॉल इन द ग्राउंड तो लेट्स सी द क्रो वॉज वेरी प्लीज्ड अब क्रो ने अपनी ये तारीफ सुनी तो क्रो भी बहुत ज्यादा खुश हो गया ही ओपन्ड हिज बीक उसने अपना बीक ओपन कर दिया टू सिंग एंड द चीज फेल डाउन उसने जैसे ही अपना बीक ओपन किया चीज नीचे गिरी द फॉक्स डैश अप एंड डैश अवे फ्रॉम द सी देखो फॉक्स ने क्या कहा क्या किया जंप किया उसने और वो चीज को अपने पास अपने बीक अपने माउथ में ले लिया और फिर वो रैन अवे विद द चीज कितना स्मार्ट है फॉक्स उसने उसकी झूठी तारीफ की और उसको मैनिपुलेट किया और उसका चीज उसके पास से ले लिया और क्रो को पता भी नहीं चला कि ये मुझे तो झूठी तारीफ कर रहा है लेट्स सी द आंसर स्टूडेंट क्रो पीस ट्री फॉक्स चीज चीज सिंग बीक डाउन जंप रैन 5th वन ड्रॉ और पेज द पिक्चर ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड Now, ये जो ब्लैंक स्पेस दिख रहा है आपको आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ पे आपको आपके बेस्ट फ्रेंड का फोटो स्टिक करना है या आप ड्रॉ भी कर सकते हो फोटो स्टिक भी कर सकते हो ओके कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस स्कूल गेम्स लंच स्कूल बस रिसेस रीड नेबर्स फेरी टेल मिस्ट्री स्टोरीज इवनिंग रवि Dash is my best friend. We study in the same dash. We go together in the dash to school every day. We share our dash during the dash. We play dash in the school. We both love to dash storybooks. My friend likes dash but I like dash. We are dash and we meet every day in the dash too. Let's see the answer. Fifth one, yeah, for the complete sentence. Ravi, school. School bus, lunch, recess, games, read, fairy tales, mystery story, neighbors, evening. CW one time in your textbook, HW two times in your notebook. Thank you.